लुधियाना में नमक मंडी में पटाखों का जखीरा, 250 से 300 पेटियां बरामद। तिरपाल से छिपा रखा था माल सेटिंग कराने में लगे बिचौलिए। पंजाब के लुधियाना शहर बारूद पर बैठा है, कभी भी यह बारूद फट सकता है और शहर में बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस ने पटाखा कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यह शिकंजा उन पटाखा कारोबारियों पर कसा जा रहा है जो समय से पहले ही गोदामों में पटाखे स्टोर कर लेते हैं। वहीं जिन लोगों के पास पटाखों का लाइसेंस नहीं है उन पर भी पुलिस का डंडा चलना शुरू हो गया है। बता दें कि थाना कोतवाली की पुलिस ने देर रात गुड़ मंडी के पीछे नमक मंडी में दबिश दी। पुलिस का पुख्ता सूचना थी कि एक पटाखा कारोबारी ने सड़क पर ही पटाखों की पेटियां तिरपाल में छिपा रखी हैं। देर रात के समय माल इधर से उधर होना था। समय रहते पुलिस ने नमक मंडी में दबिश दी और 250 से 300 पेटियां पटाखों की बरामद कर ली। बता दें ये तो अभी सिर्फ पटाखों की पेटियां इतनी मात्रा में मिलना फेलर है। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये पेटियां मिली हैं उसके सामने ही एक बिल्डिंग है जिसमें बड़ी मात्रा में पटाखा स्टोर हुआ है। पुलिस की दबिश देख मौके से उस बिल्डिंग को कुछ लोग ताला जड़कर चले गए। गनीमत रही कि इस बाजार में कोई आग लगने जैसी घटना नहीं हुई, नहीं तो पटाखे पड़े होने के कारण बहुत बड़ा हादसा हो जाना था। इस मामले में ADCP रुपिंदर कौर सरा ने थाना कोतवाली के SHO कुलदीप सिंह को आदेश दिए हैं कि बिल्डिंग की चेकिंग करवा कर वीडियोग्राफी कर रिपोर्ट की जाए। पटाखा कारोबारी संजय सिंगला पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। बता दें इन पटाखों की कीमत 20 से 25 लाख बताई जा रही है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।